मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस कनेक्टेड बाय सिंधी स्कूल एंड कॉलेज. टुडेस क्लास फॉर द क्लास वन एंड द सब्जेक्ट इज इंग्लिश लिटरेचर. इन प्रीवियस वीडियोस वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द चैप्टर नंबर वन दैट वाज योर हेल्पफुल रोमन एंड द चैप्टर नंबर टू दैट वाज बेसिकली योर पोएम फैमिली एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द चैप्टर नंबर थ्री. द नेम ऑफ द चैप्टर इज पैकिंग फॉर अ पिकनिक. सो पिकनिक, द वर्ड पिकनिक, जैसे आप पिकनिक वर्ड सुनते हैं व्हाट द फर्स्ट थिंग विच कम्स टू योर माइंड. Picnic means a happy moment or the happy time for with your friends and family. So in this chapter we are just going to read the chapter and I am going to just explain it to you. This story Packing for a Picnic is about a girl whose name is Amina. But before starting this chapter, while watching this video you have to just take out your English literature book and go to the page number 17 where your actual story will be started. So in this chapter, first line, we are going to start with the first line on page number 17. जब आप ये page open करेंगे आपको ये picture भी दिखेगी, इससे आपको पता चलेगा ये same story है. But chapter number 3 is on page number 16. But सिर्फ यह एक picture है, that is your homework. And the picture says that Ajay is ready to go on a picnic. Look at the things he has. Take the things he should take with him. There is a boy whose name is Ajay who is going for a picnic. कुछ चीजें हैं टेबल पे जो उसे ले जानी है पिकनिक पे. तो आपके अकॉर्डिंग अगर आप पिकनिक पे जाते हैं तो आप कौन कौन सी चीजें ले जाते हैं? इस टेबल पे बहुत सारी चीजें हैं, सर्कल ओवल शेप में बने हुए हैं, उनमें आपको टिक करना है जो ये बॉय अपने साथ पिकनिक पे ले जाएगा. So that is your homework. You have to complete it in your book only. Now from the page number 17, we are going to start the chapter. Amina is very happy. She is going for a picnic with her friends. Mother is packing a basket of food for Amina to carry. She puts in some apples, a packet of biscuits and a bottle of water. So Amina, she is a girl who is planning for a picnic with her friends. जब वो पिकनिक के लिए प्लान करती है तो उसकी जो मदर है उसकी हेल्प करती है कि व्हाट शुड शी टेक विद हर टू द पिकनिक. वो पिकनिक पे क्या क्या चीज़ें ले जाएगी, उस चीज़ की पैकिंग के लिए उसकी मदर हेल्प करती हैं. अमीना की मदर क्या पैक करती हैं? सम एप्पल्स, कुछ सेब मींस फ्रूट्स जो वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेगी, अ पैकेट ऑफ बिस्किट का एक पैकेट एंड बॉटल ऑफ वाटर एंड वन वाटर. Then she takes a loaf of bread and cuts some meat square slices. फिर उन्होंने एक loaf मतलब बड़ा सा ब्रेड लिया जिसके कुछ स्लाइसेस स्क्वायर शेप में कट किए. अमीना bring out the butter dish, keys, mother said. अमीना knows that the block of butter looks like a yellow rectangle. What is the shape of a block of for the butter? जो हम लोग बटर लेके आते हैं, फॉर एग्जाम्पल अमूल बटर होता है, वो थोड़ा सा हार्ड होता है बिकॉज वो फ्रिज में रखा जाता है, तो वो किस शेप में रहता है? शेप इज द रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगुलर शेप में होता है. और अमीना को पता है कि बटर जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में है एंड द कलर ऑफ द बटर इज येलो. शी टेक्स इट आउट फॉर द फ्लोर ऑफ द फ्रिज. उसने फ्रिज से वो बटर निकाल दिया. गिव मी द स्लाइसेस मदर सेड अमीना, आई विल पुट द बटर ऑन देम. अमीना की मदर गिव्स हर द स्लाइसेस. बटर लाने के बाद अमीना ने अपनी मदर से कहा जो उन्होंने स्लाइसेस कट किए थे वो अमीना को दे दे और अमीना उसमें क्या करेगी, वो बटर लगाएगी उन स्लाइसेस पे. नाउ यू हैव टू टर्न द पेज एंड गो टू द पेज नंबर 18 फॉर द रेस्ट ऑफ द स्टोरी. मदर देन कट्स अ क्यूकम्बर एंड अ टोमेटो इनटू सर्कल. क्यूकम्बर मींस खीरा, टोमेटो मींस टमाटर. मदर ने सैंडविच बनाने के लिए ब्रेड में बटर लग गया बट उन्हें सैंडविच के लिए कुछ फिलिंग चाहिए थी, तो उन्होंने क्यूकम्बर मींस वन खीरा एंड वन टोमेटो उन्होंने कट किया. किस शेप में? सर्कल शेप में. She puts them on the bread. She also boils 3 eggs to make some egg sandwiches. Amina ने क्या किया? उन slices को tomato and cucumber के slices को butter and bread के बीच में रख दिया. फिर Amina की mother ने 3 eggs boil किए क्योंकि उन्हें egg sandwich बनाना था. Amina knows that the shape of an egg is oval. Amina को ये भी पता था कि egg कौन से shape में होता है? Oval. At the end, mother cuts the sandwiches in neat triangles. She wraps them in clean napkins and put them in the basket. आखिरी में उन सैंडविच को, एग सैंडविच को उनकी मदर ने रेक्टेंगल शेप में कट किया, सॉरी ट्रायंगल
किया और बास्केट में, पिकनिक बास्केट में जो अमीना लेके जा रही थी उसमें रख दिया। अमीना इज एवी मतलब पिकनिक। सो अमीना इतनी चीज़ें ले जाने के बाद जो उनकी मदर ने हेल्प करी थी वो पिकनिक के लिए रेडी थी। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द रिटन वर्क ऑफ दिस चैप्टर। बिफोर स्टार्टिंग एनी ऑफ द रिटन वर्क यू शुड हैव टू कंप्लीट द चैप्टर नंबर 1 एंड द चैप्टर नंबर 2 दैट इज योर होमवर्क इन योर कॉपी एज वेल एज इन योर नोटबुक। देन स्टार्ट राइटिंग द चैप्टर नंबर 3। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द चैप्टर नंबर। नेक्स्ट लाइन में नेम ऑफ द चैप्टर दैट इज अ पैकिंग फॉर अ पिकनिक। Wrap means किसी चीज़ को, for example sandwiches, so you wrap